समिति के द्वारा छत्तीसगढ़ दर्शन छत्तीसगढ़ विधान की प्रस्तुत की गई है। आशा है हमारे सभी श्रद्धालु भक्तों को काफी पसंद आएंगे। छत्तीसगढ़ के थीम पर छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक लोक कला की धरोहर को यहाँ पर झांकी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें बस्तर की वनांचल की में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सतीश, ये है रिम्मी और आप देख रहे हैं टू टूरिस्ट सेसर। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अभी चल रहा है हैप्पी नवरात्रि आप सभी को और हम लोग आए हैं सेक्टर 7। तो चलिए आपको दिखाते हैं माँ के दर्शन और कैसी झांकियां यहाँ बनी हुई। बस्तर की झांकियां यहाँ पे बनी हुई है, तो आपको दिखाते हैं बस्तर की झांकी का एक नया लुक। और प्लीज यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो दोस्तों, टू टूरिस्ट एसआर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कला की जिहा भरमार है, संस्कृति जिहा के त्योहार है, वाणी माँ जिहा प्यार है, अब बरसुगर वहाँ के संस्कार है। विभिन्न संस्कृतियों के संगम है, तरह तरह के व्यंजन है, खेलों के विभिन्न प्रकार हैं, सरलता के वहाँ सार है। छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति बहुआयामी है। छत्तीसगढ़ अपनी सांस्कृतिक विरासत में समृद्ध है। वनों से आच्छादित होने और आदिवासी अधिकता के कारण यहाँ की कला में वन, प्रकृति और प्राचीन परंपरा का विशेष स्थान और महत्व है। यहाँ बड़ी और छोटी बहुत सारी जनजातियाँ फैली हुई हैं। उनके लयबद्ध लोक संगीत, नृत्य और नाटक देखना एक आनंददायक अनुभव है, जो राज्य की संस्कृति में अंतर्दृष्टि भी प्रदान करता है। यहाँ के आभूषणों और वस्त्रों का भी एक विशेष स्थान है। तो दोस्तों, आज हम जहाँ आए हैं वो झांकी है छत्तीसगढ़ की संस्कृति पर आधारित बस्तर की झांकी, जो बनी है सेक्टर 7 भिलाई में। तो चलिए देखते हैं हमारे छत्तीसगढ़ की प्रभावशाली संस्कृति, क्योंकि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। झांकी में एंटर करने के लिए आपको देनी पड़ेगी 20 रुपीज फीस। और इस झांकी के एंट्री डोर पर बनाया गया है छत्तीसगढ़ का राजकीय चिन्ह, और साथ ही साथ यहां पर सुतलियों से कुछ बहुत ही प्यारे ट्रेडिशनल चीजों को लटकाया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी जनजातियों द्वारा भाला रखने की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। ये जनजातियां अपने पास भाला रखती हैं, जो कि वन जनजातियां इसका यूज शिकार करने के लिए भी किया करती हैं। और इस झांकी में भालों को बहुत अच्छे से सजाया गया है। यहाँ पर प्राचीनतम ऐतिहासिक और पौराणिक इमारतों को दर्शाया गया है और टायरों को बहुत ही प्यारे ढंग से सजाया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य अपनी संस्कृति के लिए बहुत प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ में पर्व और त्योहारों पर घरों में अनेक प्रकार की चित्रकलाएं बनाई जाती है। झांकी में भी चित्रकलाओं को बहुत ही प्यारे ढंग से दिखाया गया है। बहुत ही प्यारी प्यारी चित्रकलाएं यहाँ पर बनाई गई हैं, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर है।
यहाँ पर आदिवासी जनजातियों को दर्शाया गया है, पशुओं को भी यहाँ पर दर्शाया गया है। बहुत ही प्यारे ढंग से यहाँ पर चित्रकलाएं बनाई गई है। छत्तीसगढ़ में लोक चित्रकला के प्रमाण प्राचीन काल से देखने को मिलते हैं। छत्तीसगढ़ में अनेक प्रागैतिहासिक गुफाएं हैं, जिसमें आदि मानव के द्वारा बनाए हुए चित्रों के साक्ष्य वर्तमान में भी उपलब्ध हैं। इस झांकी में बहुत ही प्यारी प्यारी मूर्तियों के द्वारा छत्तीसगढ़ की जनजातियों को दर्शाया गया है और बहुत ही सुंदर इन्हें बनाया गया है। समिति के द्वारा छत्तीसगढ़ दर्शन छत्तीसगढ़ की झांकी प्रस्तुत की गई है। आशा है हमारे सभी श्रद्धालु भक्तों को काफी पसंद आएंगे। छत्तीसगढ़ के थीम पर छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक लोक कला की धरोहर को यहाँ पर झांकी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें बस्तर की वनांचल की पेड़ पौधे यहाँ पर वहांचों से आच्छादित वातावरण बनाया गया है। हमारी छत्तीसगढ़ की बस्तर हमारी आन बान शान है, जहां से काफी राजस्व मिलते हैं। वन संपदा हमारी छत्तीसगढ़ की बहुत बड़ी राजस्व संपदा है। यहाँ पर उकेरा गया है बस्तर के विभिन्न ऐसी है जहाँ पर हमारी सारी मांगे पूरा होती है। माँ के दरबार में आके आपकी सर्व मनोकामना सर्व मांगे पूरी हो जाएगी। हम समस्त श्रद्धालु गणों का माँ से प्रार्थना करते हैं कि भक्त जनों की सर्व मनोकामना पूर्ण करें। हम घरों में 50 रुपये माँ से मांगते हैं, तो जा बेटा ये 500 रुपये ले जा करके ऐसे वात्सल्य मई माँ, करुणा मई माँ, प्रेम मई माँ के दरबार में हम आए हैं और माँ आप सबके साथ, क्योंकि इतनी सुंदर झांकी भव्य झांकी छत्तीसगढ़ में बहुत पहले जगह होती है। 61वां वर्ष हो रहा है आप लोगों का स्नेह और अपार प्रेम की बदौलत लगातार विशाल जनसमुदाय यहाँ विभिन्न क्षेत्रों से छत्तीसगढ़ के कोने कोने से पहुंचते हैं और उनकी सर्व मनोकामना यहाँ से दर्शन के पश्चात पूर्ण हो जाती है। एक मान्यता यहाँ पर झांकी में है, झांकी माँ की दरबार में है। कलकत्ता से साक्षात माँ पानी मई के स्वरूप में माँ शरद देवी के अभिन्न 9 रूपों के प्रतिरूप में यहाँ विराज होती है। यहाँ पर बंगाल की माँ दुर्गा देवी का भव्य रूप विराजित है। ये झांकी दो राज्यों का मिलन है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ की परंपरा को दिखाया गया है और साथ ही साथ बंगाली माँ दुर्गा के भी दर्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आकर आप छत्तीसगढ़ की परंपरा और बंगाल की माँ दुर्गा के भव्य दर्शन कर सकते हैं। ये झांकी अपने आप में बहुत ही यूनिक है और बहुत ही सुंदर है और इसे बहुत ही करीने से बनाया गया है और छत्तीसगढ़ की पूरी परंपरा को यहाँ पर दिखाया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य की जनजातियाँ कैसे रहती हैं, कैसे अपने पर्वों को मनाती हैं, किन अस्त्रों का यूज करती हैं, वो सभी यहाँ पर दर्शाया गया है।
छत्तीसगढ़ में बहुत ढेर सारे लोक नृत्य है, जिसमें से यहाँ पर राउत नाच को दिखाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारे लोक नृत्य की मूर्तियां विराजित की गई हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के जनजातीय नृत्य को दिखाया गया है। छत्तीसगढ़ एक जनजाति बहुल राज्य है। जनजातियों की विभिन्न संस्कृतियां होती हैं, जिसमें लोक नाट्य, लोक नृत्य और लोकगीत ये सभी सम्मिलित हैं। इनके नृत्य, गीत और त्योहार इन्हें विशेष पहचान प्रदान करते हैं। ये सभी जनजातियां अपने त्योहार और पर्व को बहुत ही उत्साह पूर्वक मनाते हैं। यहाँ पर इन मूर्तियों के द्वारा जनजातियों के उत्साह और इन जनजातियों के रहन सहन को दिखाया गया है। यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी डोली भी रखी गई है, जिसे बहुत पारंपरिक तरीके से सजाया गया है, जो देखने में बहुत ही प्यारी है और सुंदर है। छत्तीसगढ़ के लोग बैलगाड़ी का हमेशा यूज किया करते हैं और यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी सी बैलगाड़ी को दिखाया गया है। उसे बहुत ही प्यारे ढंग से सजाया गया है। इस झांकी से थोड़ा बाहर निकलने पर आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर गरबा नृत्य भी किया जा रहा है। यहां पर लोग उत्साह से गरबा नृत्य कर रहे हैं। पसंद है ये वीडियो तो कीजिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ट्यूटोरियल्स के साथ। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय दोस्तों, रखिए अपना ख्याल और ध्यान।